गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट चलती सेकेंड और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अभी न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और वाटर के बारे में पढ़ा था। अब आता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारी दो चीज़ें आती हैं, मिनरल्स और विटामिन्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये कि हम जिन चीज़ों की कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, यानी बहुत ही कम मात्रा में रिक्वायर होती है बॉडी को, लेकिन वो बॉडी के फंक्शन के लिए, बॉडी को चलाने के लिए अति आवश्यक होती हैं। तो इसलिए हम लोग अब पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स में होता क्या है कि मिनरल्स जो होते हैं वो बॉडी के जो फंक्शन होते हैं, जो मेन फंक्शन होते हैं बॉडी को चलाने के लिए, उनके लिए आवश्यक होते हैं मिनरल्स। अब मिनरल्स भी होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं मैक्रो मैक्रो मिनरल्स और दूसरे होते हैं हमारे माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स में हमारा आता है कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। माइक्रो मिनरल्स में आते हैं आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर और कोबाल्ट। अब आते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम बॉडी की ग्रोथ के लिए और बोन्स के डेवलपमेंट के लिए, टीथ के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी अति आवश्यक होता है। व्हाट इज़ द ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग होता है, आपने देखा हो कि आपको कोई कट लग जाता है या आपको कहीं घाव हो जाता है, तो कुछ समय के बाद वो ब्लड अपने आप ही बंद हो जाता है, यानी वहाँ पर जो ब्लड के थक्के बन जाते हैं, ब्लड का एक मतलब झुंड बन जाता है जो उसको ब्लड को रोक देता है, उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। अब रिकेट्स, यानी कि आप समझ सकते हैं रिकेट्स हड्डियों कैल्शियम की कमी के कारण, तो रिकेट्स के लिए भी कैल्शियम उसके प्रिवेंशन के लिए अति आवश्यक है। अभी इस अब देखते हैं कि कैल्शियम मिलता किस किस चीज़ें में है। चीज़, मिल्क, एग, हरी पत्तीदार सब्जियां, इनमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स है डाइट में। ये आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलर तरीके से, यानी कि फिट और एक्टिव रखता है, नर्वस सिस्टम को, मस्कुलर सिस्टम को एक्टिव रखता है। और सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जो पोटेशियम का होता है कि ये ब्लड और टिश्यू के अंदर वाटर का जो लेवल है उसको मेंटेन रखता है, कि बॉडी के अंदर ब्लड के और टिश्यूज़ के अंदर वाटर का लेवल नॉर्मल है कि नहीं। अभी मिलता कहाँ का है? बनानाज, टोमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पीनट्स, सिट्रस फ्रूट्स, यानी जैसे नींबू, आंवला, बीन्स इत्यादि में। अब आता है हमारा सोडियम। सोडियम भी एक, ये आपको मिलता है अचार में, नमक में, बटर में, ये नर्वस सिस्टम की हेल्प के लिए अत्यावश्यक है। फिर आता हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है कि बॉडी को मेंटेन रखता है, और जो बॉडी जो सेल है हमारी उनकी भी मेंटेनेंस के लिए काम करता है। अब मैग्नीशियम मिलता कहाँ का है? मीट्स में, ब्राउन राइस, बीन्स और ग्रेन्स, अनाज में जो साबुत अनाज होते हैं उसमें। अब आता है फास्फोरस। फास्फोरस का जो कार्य है वो बोन्स और टीथ का जो फॉर्मेशन है उसके लिए वर्क करता है। ये मिलता है एग्स में, फिश, कॉड लीवर में, मिल्क, अनपॉलिश राइस आदि। बच्चों अब आते हैं हम लोग माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स में आ गया हमारा आयोडीन। आयोडीन आप लोगों को पता है कि आयोडीन हार्मोन्स
जो थायराइड्स ग्लैंड्स होती है ना, उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं उसके लिए लाभदायक होती है। यानी कि अगर आप आयोडीन नहीं लोगे तो थायराइड ग्लैंड बड़ी हो जाते हैं, जिससे हमें थायराइड में प्रॉब्लम हो जाती है और स्वेलिंग आ जाती है, और वो से आप घेंगा रोग भी बोलते हैं, वो हो जाता है। अब ये आयोडीन मिलता कहाँ कहाँ है? फिश, सी फूड, आयोडाइज साल्ट, इसकी कमी से आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों की गले की जो ग्रंथि है ना, क्या बोलते हैं उसको, थायराइड ग्लैंड, वो फूल जाती है और बड़ा गला हो जाता है, यानी कि यहाँ से सूजन सी आ जाती है। अब हमारा आता है आयरन। आयरन भी एक, आयरन आप लोगों को पता, ब्लड में अगर आयरन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन यानी आयरन हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, अगर आयरन नहीं होगा तो हमें हो जाता है एनीमिया, हो जाता है ना एक रोग, इससे इससे क्या, अगर आयरन की कमी हो जाए तो हमें हो जाता है एनीमिया। यानी कि अभी मिलता कहाँ कहाँ है? लीवर, मीट, एग, ड्राई फ्रूट्स, बनानाज आदि। क्रोमियम, क्रोमियम क्या होता है कि इंसुलिन, क्रोमियम क्या होता है कि इंसुलिन को जागृत करता है, मतलब इंसुलिन की स्टिमुलेट करता है, इंसुलिन को, इंसुलिन की एक्टिविटी इससे प्रभावित होती है, यानी इफेक्टेड होती है। अगर इंसुलिन हमारा सही कार्य करे तो हम नॉर्मल चलेंगे, अगर इंसुलिन में कोई प्रॉब्लम, या तो मैक्सिमम इंसुलिन निकलेगा या कम निकलेगा, तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है, इसके कारण हम लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। और ये क्रोमियम मिलता कहाँ कहाँ है? सोयाबीन, ब्लैक ग्राम यानी कि चने, काले चने, कैरेट, टोमेटोज आदि। अब आता हमारा कॉपर। कॉपर क्या करता है कि हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है वो ये डिसाइड करता है कॉपर। अब ये मिलता है एग्स में, अलसी, दालों और हरी सब्जियों, ग्रीन वेजिटेबल्स। कोबाल्ट, कोबाल्ट भी हमें एनीमिया से बचाता है, कोबाल्ट भी एक मिनरल्स है, ये एनीमिया से बचा। मिलता कहाँ है? ग्रीन वेजिटेबल्स, मैक्सिमम ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग, अब आएगा हमारा विटामिन्स, तो एक बार विटामिन्स को देख लेंगे आप लोग, फिर कल नया विटामिन स्टार्ट करते हैं।